अरे मम्मी चाची वो आप नीचे जाइए, आप बड़े हो ना, पापा को आपकी जरूरत पड़ सकती। सुशीला को मैं देख लूंगी। तेरे पापा को ना किसी की जरूरत ना है, वो अपनी बर्बादी के लिए ना खुद ही काफी है। मुझे ना दाल में कुछ काला लग रहा है। सुशीला अपने कमरे में है ही ना, कहीं वो मुझे क्या करना। बुरा मत मानिए धर्मपाल, जब तू विक्रम पर उंगली उठा रहा है ना तो साथ में सत्तू और गुन्नू पे भी उठा, वो भी तो घर आए थे लोहड़ी वाले दिन। ना के कह रहा सतपाल, अरे नू तो उस दिन डॉक्टर प्रमोद भी आया था, वो भी चोर हो गया क्या? ना क्या बात कर रहे भाई साहब, ये तलाशी लो सबके घर की तलाशी लो, गुन्नू के, सत्तू के, डॉक्टर प्रमोद के। जबान संभाल कर बात करो ओम प्रकाश, सत्तू और डॉक्टर प्रमोद मेरे होने वाले दामाद है, उनकी तलाशी ना होगी। ना यो के बात हुई, ना चोरी की खबर देगा, ना अपने दामाद की तलाशी लेने देगा। कभी जगत सेठ को गलत कहेगा तो कभी विक्रम को चोर बताएगा। 1.5 लाख छोटी रकम ना होती धर्मपाल, जब तेरी जगह कोई और इन पैसों को गुम कर देता तो हम उसको मार्केट में बेच देते। पर तेरा लिहाज है सबको, भरोसा है तेरे ऊपर, उसका गलत फायदा ना उठा। लो जी हो गया केस सॉल्व, मिल गया इलेक्ट्रीशियन, वो भी पक्के सबूतों के साथ। ये लो जी, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। ये देखो जी, ये चोर का वीडियो आया है घर से चोरी छिपे भागते हुए। अरे आंखों पे विश्वास ना हो रहा इंस्पेक्टर साहब, ना ये सच ना हो सकता। भाई सच क्यों ना हो सकता, अब तक तो सब इलेक्ट्रीशियन को ही चोर कह रहे थे। ना भाई साहब आप तो ब्लड प्रेशर की गोली खाई लो, मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो देख के आपकी तबीयत खराब हो जाए। अरे वीडियो देख के मेरी तबीयत क्यों खराब होने लगी, ड्रामा छोड़ मुद्दे पे आ। ना आप कहते हो तो भाई साहब मुद्दे पे आ जाता हूँ, पर वो क्या है ना, ये वीडियो में इलेक्ट्रिशियन को देख के आप बेहोश मत हो जाना। के बकवास कर रहा है, यो तो इलेक्ट्रीशियन ना इंस्पेक्टर साहब, यो तो अपना सत्तू है धर्मपाल का होने वाला दावा। सत्तू? अरे भाई साहब मैंने कहा था ना ये वीडियो देख के आपकी तबीयत खराब हो जानी है। तो भाई धर्मपाल जो तेरा दामाद है तो चोरों वाला काम क्यों कर रहा है, सच सच बताना। यो छोरा आया था लोहड़ी की रात पे? हाँ जी आया था, लेकिन 9:15 बजे तक चला भी गया था। अरे वीडियो तो 10:30 का बनाया है। इसका मतलब सत्तू दोबारा घर आया था। सत्तू का नंबर दो। मैंने ट्राई किया था, फोन बंद आ रहा है। अब फोन नंबर दो, मैं ट्राई करता हूँ। आ जाएगा, वो मैसेज किया था उसने। दिखाओ जी। मैसेज दिखाओ। मैसेज वो तो डिलीट कर दिया। तो अपने होने वाले पति को बचाने की कोशिश हो रही है। करो करो, हम भी कर रहे हैं।
डिटेक्टिव देखते हैं कि तुम्हारी उसको बचाने की कोशिश कामयाब होती है या हमारी धर दबोचड़ेगी। भाई लखिंदर, सारे थाने में ये फोटो भेज दे, ये चोर ना बच के नहीं जाना चाहिए। करीमा दीदी, आज तो हम बुरे फंसे, दादी को सच बताना ही पड़ेगा। बुद्धू प्लीज चुप चुप बोल। सुशीला को कितनी बार मना किया था, मत जा मत जा, अब क्या करो कुछ समझ ना आ रहा है। चोरी किसी और ने की और इल्जाम सत्तू पे लग रहा है, जो सत्तू है ही ना। एक बार सत्तू को पकड़ लेंगे ना तो सारा सच अपने आप ही उगल देगा। सच तो यो है इंस्पेक्टर साहब कि सत्तू आया था, वो मुझसे मिलने आया था, लेकिन चोरी ना की इसने, ये सब कुछ झूठ है। ये छोरियां तो रोज नए नए गुड़ खिला रही है, अभी रिश्ता हुआ भी नहीं, और ये सब। तो दरवाजे से क्यों नहीं आया? वो लोड़ी का गिफ्ट देने आया था, मैं कमरे में थी ना, सरप्राइज गिफ्ट था ना, तो मेरे पीछे से वो कमरे में रख के चला गया। अरे यही तो मैं कह रहा हूँ, अरे अपने होने वाली पत्नी से मिलने आया होगा। अरे भाई जवान लोग हैं, होता है कोई खिड़की से कूदे तो उसे चोर समझना तो गलत है ना करीमा जी। अरे तुझे चुप रहने को कहा था ना चोरी, यहाँ बड़ों के बीच क्या काम है तेरा, क्यों इज्जत उछाल रही है हमारी? और बाकियों ने तो वैसे भी कान का सर छोड़ी है। मगर पापा सत्तू ऐसा। अरे तू गिफ्ट लाके दिखा देना, इंस्पेक्टर साहब को तसल्ली हो जाएगी। और सत्तू आया था ये बात सुशीला भी तो बता सकती है, सारी बात साफ साफ हो जाएगी, क्यों भाई साहब? तो ठीक है ना, अगर दोनों बहनें आगे बता देंगी तो क्लियर हो जाएगा ना कि अपना सत्तू जो है वो इनोसेंट है। बहन तो बहन की ही तरफ से बोलेगी ना। फिर पूछने में क्या अर्ज है? मैंने सुशीला को बुला के लाती हूँ भाई साहब, हट गरिमा। इस समय अगर घर वालों को यो बात पता चल गई कि सुशीला घर में है ही ना, तो सुशीला गई तेरी बफेलो पानी में। आजाद बचाओ प्लीज प्लीज प्लीज, ये दूसरों की मम्मी अपने बच्चों की मुसीबत अपना सर ले लेती है, और मेरी ऐसी है कि जो मैं उल्टा फंसाना चाह रही हूँ। नोट बुक बोर्ड कोई ना उठाएगा सुशीला को। उसकी तबीयत ठीक ना है, और हम सब हैं यहाँ, जो भी पूछना है हमसे पूछ लो। और मेरा होने वाला दामाद मेरी छोरी को मिलने आया, इसका मतलब वो चोर ना हो गया जी। बहुत हो गई जी नाटक नौटंकी, इससे पूछो इससे ना पूछो ना, सारा मामला समझ में आया कि मैं समझा दूं? चलो समझा ही देता हूँ जी। हुआ यूं, लोहड़ी की रात सबके जाने के बाद पहले बत्ती गुल हो जाती है जी, फिर इलेक्ट्रीशियन आता है, और उसके आते ही दामाद सत्तू धर्मपाल जी के कमरे में जाता है और पैसे लेकर सीढ़ियों के रास्ते 9 to 11 हो जाता है। बत्ती आते ही धर्मपाल एंड फैमिली शोर मचाने लगते हैं जी, पैसे चोरी हो गए पैसे चोरी हो गए। फिर पुलिस यानी कि हम आते हैं, पर एक गुमनाम वीडियो से उस चोर का असली चेहरा सबके सामने आ जाता है, और फिर जिन्होंने कंप्लेन की थी अब वही उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि वो उनका दामाद है। तो मेरी आत्मा और हनुमान जी जानते हैं, ना तो मैं ना ही मेरे फैमिली का कोई सत्तू को बचाने की कोशिश कर रहा है, और ना ही सत्तू चोर है। आज तो सारी हद पार कर गया धर्मपाल, तू सारे सबूत सामने है और फिर भी तू। क्योंकि मैंने सबूत से ज्यादा सत्तू पर विश्वास है। रे भगवान ने मने बेटा ना दिया, पर बेटे जैसा दामाद दिया। मेरा दिल ना मानता कि एक बेटा अपने बाप के घर चोरी करेगा। जैसे तू अपने दामाद को बचाने की कोशिश कर रहा है ना, मेरे को तो लगता है तू भी। सतपाल दिमाग घर छोड़ कर आया के? अरे बोलने से पहले सांस तो ले ले, तेरे बोल खुद ब खुद ना फूटेंगे। रे क्या बोलना चाह रहा है सत्यपाल, जरा खुल के बोल, तेरी हर बात का जवाब दूंगा मैं, पूछ के पूछना है। शांत रहिए भाई साहब। अरे एक मिनट सुन तो लो भाई लोग, अरे ऐसा गर्मा गर्मी से तो मामला खराब हो जाएगा ना। अरे धनपाल भाई साहब, अरे आप हमें 2 मिनट दो, मैं सारा मामला ही रफा दफा कर देता हूँ। ये लो भाई साहब, पूरे 1.5 लाख रुपए हैं, एक एक के मुंह पे मारो इनके पैसे। भाई साहब मुझसे ना देखा जा रहा,
कि एक बेबस और लाचार आदमी को ये लोग ताना मार रहे हैं। हमारी तो घर की बात है, हम तो बाद में भी देख लेंगे। ना तेरी औकात ना है मेरे साथ हिसाब करने की। और तूने सोचा कैसे कि तेरे जैसों के साथ मैं हिसाब किताब रखूंगा? अरे भाई साहब, ये आपकी और मेरी बात ना है, ये तो इन सब की बात है। पता है ये इनकी बात है, पर इनकी और मेरे बीच की बात है। तू बीच में ना पड़ और निकल ले मेरे घर से, और साथ में इस छर्रे को भी ले जा। निकलो यहां से, दोनों निकलो। चिल्लाना बंद करो धर्मपाल भाई साहब, अगर इससे पैसे ना लोगे तो मार्केट का पैसा कैसे दोगे? हाँ बताओ धर्मपाल, पैसा कैसे दोगे? पुलिस की कार्रवाई तो खत्म होने दो, पता तो चालन दो चोरी की किसने है। अरे धर्मपाल की हालत तो देखो, ऐसे कैसे एकदम पैसे लौटा देगा? यो लौटाऊंगा, सबकी एक एक पाई लौटाऊंगा, चाहे उसके लिए मने अपना घर ही गिरवी क्यों ना रखना पड़े। हाँ भाई सुन लिया ना सबने, अब धैर्य रखो, सबको अपने पैसे एक दिन जरूर मिल जाएंगे। हम इतने अमीर जा देना है जगत की धैर्य रखे, हमें साफ साफ बता दो हमारे पैसे कब मिलेंगे। अरे तू इंसान भी है कि ना सत्यपाल, ये आदमी व्हील चेयर पे बैठा है, उसके घर चोरी हुई है, और तू तो यार बस जगत, सबके पैसे 3 दिन के अंदर मिल जाएंगे। आज यहां सिर्फ पैसे चोरी ना हुए, मेरे जीवन की सारी कमाई हुई चोरी हो गई। इस वीडियो ने मैंने कहीं खाना छोड़ा। चलो भाई चलो, सारे अपने अपने घर चलो। चलो भाई चलो भाई। मैं तो दुकान पे निगाहें लगाए बैठा था धर्मपाल, तुमने तो घर की घोषणा कर दी। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, तेरा घर भी मैं गिरवी रख लूंगा, बस कागज लेके आ जाना। जय माता दी। गरिमा दीदी, अगर सत्तू पकड़ा गया तो गुन्नू भी धरा जाएगा, और अगर गुन्नू सत्तू धरेगा तो सच सामने आ जाएगा, और अगर सच सामने आ जाएगा तो गोट पुत्तू को भी घसीटा जाएगा, और अगर गोट पुत्तू को घसीटा गया तो गोट पुत्तू का सिर्फ और सिर्फ गोट रह जाएगा। पुत्तू तो चुप। मेरे कान ना नीचे हुए बातों से पहले से ही बज रहे, तू और मत बजा। ये सोच की सुशीला तक पहुंचे कैसे? अरे हमें सत्तू को तो छुपाना है, पर सुशीला को तो वापस लाना है ना। यस गरिमा दीदी यस, आप बाहर जा नहीं सकते, सुशीला दीदी अंदर आएंगी कैसे हैं? कौन लेके आएगा उन्हें? And I am ready. हम भी रेडी हैं भाई। Great. Let's go. चलो। करीमा, just a second. हेलो हेलो डॉक्टर प्रमोद, मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्या मतलब सुशीला जी बॉलीवुड हीरो हुड्डा से मिलने गई हैं? हाँ ओके, मैं देखता हूँ। मॉम डैड मुझे जाना होगा। हाँ सबको जाना है, हम साथ में चलेंगे ना? नहीं साथ में नहीं डैड, अकेले जाना होगा, कुछ अर्जेंट है। लगता है टिफ सॉर्ट आउट हो गया है। ठीक है जाइए। लव यू मॉम। डैड की पास में ले लूं? आई लव यू मोर डैड। अरे चाय पानी वाला छोरा दिख ना रहा, पर गया तो गया किधर? ये तो वो छोरा है। ओ बेटे ये छोरा तू पैसे लेके भागा है? जब भी पैसों का रौब दिखा रहा था, बचना नहीं चाहिए। ए सुरेश महेश,
चल देख जरा, चल ढूंढ। बोरा चली से बता। जे बिल्ली बन जा बिल्ली, जे कबूतर को पकड़ना है तो डायलॉग्स तो हो गए, चेंज कहाँ करूं? ओए रुक 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 रुक, कानून के हाथ से बच के ना जा पाएगा तू। आप लोगों को चाय पानी नहीं दिया तो इतना गुस्सा, आ जाओ ले लो। अरे रुक जा ससुरे। सुशीला जी भागो। क्या कर रहे हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? और ये हंस क्यों रहे हो तुम? अरे ये सब बाद में बताता हूँ, अभी कुछ मत पूछो। भागो। अरे बोल रहे ससुरे। ये देखिए खत्म करते हैं ना छोटा आंटी, ये चार पैसे बचाने के लिए इतना क्यों भगा रहे हो? ओ तेरी ये रे। भागने का शौक तो मुझे बहुत है डॉक्टर साहब, एक जोड़ी जूते घिस देती हूँ मैं 2 महीने में, लेकिन ऐसे किसी से डर के भागना ना सीखा मैंने। और ये जो तुम्हारे 32 के 32 दांत बेशरम हुए पड़े, इसका क्या इलाज है? चुप, बिल्कुल चुप, और मेरी बात ना तुम ध्यान से सुनो। बुरा मत मानिए धर्मपाल, जब तू विक्रम पर उंगली उठा रहा है ना, तो साथ में सत्तू और गुन्नू पे भी उठा। अरे पढ़े लिखे गवारों, वो कहावत सुनिए, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सुनिए भाई साहब, मेरी तो फेवरेट है भाई साहब। तो सांप इस कहानी में है हाथी बाजार का भूतपूर्व अध्यक्ष धर्मपाल, और लाठी यो खड़ी। अरे मैंने जाल तो धर्मपाल को फंसाने के लिए बिछाया था, पर सत्तू तो बाय वन गेट वन ऑफर के साथ फंस गया। पर जिसने असली चोरी करी वो तो मेरे सामने खड़ा, मेरे अगले इशारे का इंतजार कर रहा है। अबे लाठी, इस चोरी के पैसों के साथ थोड़े दिन के लिए अंडरग्राउंड हो जा, तेरी परछाई भी इस शहर के आसपास दिखनी नहीं चाहिए। आगे कुआं और पीछे खाई, अरे अब कहाँ जाएगा धर्मपाल और सत्तू नाई। यूं के तूफान आ गया मेरे पीछे से। करीमा जी ने मुझे जितना फोन पे बताया उतना मैंने आपको बता दिया, अब आप ना जल्दी से सुशीला बनो और चलो यहाँ से। कहाँ बनू सुशीला, यहाँ पे तो कोई बाथरूम भी ना है, तुम जा बाहर जा। अरे यार आप मुझे पुलिस वाले से पिटवाना चाहती हो क्या? एक काम करो ना, आंखें बंद कर ली मैं। कम ऑन सुशीला जी, चलो आंखें खोलो, आगे सुशीला। फटो, मेरा फोन ही ऑफ है, करीमा जान ले लेगी मेरी। ना कर ली होगी तूने अपने मन की, पड़ गई होगी कलेजे में ठंडक, तेरी तो पड़ गई, पर यहाँ सबके कलेजों से धुआं उठ रहा है, खासकर पापा। चोरी का इल्जाम सत्तू पे लगा है, पर हाथी बाजार के लिए चोर पापा है। ओ चोरे, हमारे पता है कि तू अंदर है, दरवाजा खोल। ओ चोरे, खोले। अरे
कहाँ गया? किधर गया? कौन हो तुम लोग और यहाँ अंदर क्या कर रहे हो? ये तो छोरी है, साथ में कोई और छोरा है। वो छोर कहाँ गया? आया तो इधर ही था। अरे आप लोग ऐसे कैसे आर्टिस्ट के रूम में घुसाए? चलिए चलिए। मैं सुशीला। ओ हाँ हाँ सुशीला, थैंक गॉड यार तुम मिल गई। अब ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, हुड्डा सर किसी वक्त सेट पे आते होंगे। चलो फटाफट रेडी हो जाओ, मैं मेकअप मैन को भेजता हूँ। ठीक है सुशीला जी, घर चले। अपने सपने की खोज में घर से निकली थी, अब घर मुझे खोज रहा है। कहाँ जाऊं, क्या करूं? अपने सपने की तरफ कदम बढ़ाऊं या उल्टे कदम घर लौट जाऊं? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.